हाथी आई है बीच में। यहाँ पे आई थिंक ना बहुत ज्यादा क्राउड जमा हुआ है, तो हम भी देख के आते हैं क्राउड लगा क्यों है। बस भी रोक ली भाई आज तो। ये भीड़ क्यों लगी है भाई? क्राउड लगने का रीजन क्या है? कि हाथी फंस गया है शायद। रोक लेना ड्राइवर भाई, बाहर आ गया। रोक सब लोग के फोन दो। बड़ा हाथी आ गया बीच में। तो सारे पुलिस वाले और सारे इधर उधर का ट्रैफिक रोक दिया है सारा। भाई साहब बहुत ज्यादा बड़ा है। इधर वाले गड्ढे में फंस गया था, कुछ प्लास्टिक चबा रहा है। ये तो भाई क्राउड बहुत ज्यादा हो गया। मैं तो बस घूमने निकला था यहाँ पे, और पीछे देखो आप, यहाँ तो खतरनाक। मतलब फोटो वोटो क्लिक करने के लिए मूव करने लग गया है। आई थिंक जंगल को वापस जा रहा है। ये जो ब्लॉग हो रहा है रास्ते में, रैंडम ब्लॉग है, एकदम रैंडम ब्लॉग है। एक्चुअली रैंडम ब्लॉग इसलिए कि मैं थोड़ा पीछे पुल तक ही आया था लामा चौड़ वाले, यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। तो बस मैंने थोड़ा सोचा कि कालाडुंगी को जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गया ना रास्ते में लाइव हाथी। क्या जो अभी भी देखो इतना ज़्यादा क्राउड है, सब लोग रुके हैं क्योंकि ना वो क्रॉस नहीं कर रहा, क्योंकि इस साइड क्या है ना कि नहर खुद ही टाइप की है, तो जा नहीं सकता। और इधर ये बैरिकेड्स हैं, तो देखो अब ये हो रहा है कि वो वहाँ से भाग के डायरेक्ट इधर को भी आ सकते हैं। सब लोग पीछे खड़े हैं, जाम बहुत ज़्यादा लंबा लग गया फिलहाल। बाइक में बहुत ज्यादा पीछे खड़ी करके आया हूं दूर, क्यों भागने का टाइम मिल जाएगा। अरे वो गाड़ी लेके जा रहे हैं ना। हम देख रहे हो भाई कितना लंबा लग चुका है हाथी के चक्कर में। वो ना थक चुका है एकदम, कि इधर भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, इधर भी नहीं कर रहा, लेकिन जाम बहुत, पूरा जाम लगा है भाई। ये 2020 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी पूरा लंबा का जाम लगा है। फिलहाल आ चुके हैं घर पे, और हाथी आप लोगों ने देखा होगा, ये फिलहाल रैंडम ब्लॉग था, बस घूमने गया था मैंने आप लोगों को जैसा बताया। और अभी आके मैं थोड़ा बहुत मम्मी को स्टोरी बता रहा था। फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कुछ ज्यादा तो था नहीं, लेकिन आपको हाथी देखने को मिल गया। और अभी क्या था, अभी भी भीड़ लगी है, बहुत ज्यादा क्राउड है, वो जा नहीं रहा, क्योंकि मैंने बताया इधर भी गड्ढा उधर भी गड्ढा है, तो अभी बीच में ही है, तो अभी सब इधर उधर से क्रॉसिंग नहीं हो रही, बस बैठे हैं। तो आपको कहीं भी होता ना, तो आप ना थोड़ा सा अगर आप देखना भी चाहते हो ना, गाड़ी अपनी दूर खड़ी करके आओ, और फिर वहाँ से टर्न कर लो, जल्दी से निकल दो, क्योंकि कभी भी कुछ नहीं पता होता कहाँ को हाथी चले जाए। तो फिलहाल चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। ओके, पापा ने ही बोला फतेहपुर पर आया था फिलहाल, तो मिलते हैं जल्दी।